सो हेलो स्कॉलर्स, हम चैप्टर 28 कंप्लीट करने स्टार्ट किया था, जिसका नेम था डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, इसका क्वेश्चन वन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। तो देखिए, ओरिजिन क्या होती है, हम जानते हैं कि ये चैप्टर रिलेटेड है हमारे कार्टेशियन प्लेन से। कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन क्या होती है हमारी, जहाँ पर ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है हमारा, लाइक दिस पॉइंट इज आर ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो एंड जीरो, मींस एक्स एक्सिस भी वहाँ पे जीरो होती है और वाई एक्सिस वाला पॉइंट भी जीरो होता है। तो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट कंसिडर कर लो ओरिजिन, और एक पॉइंट कंसिडर करो ये वाले जो गिवन है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो ऑलरेडी वी नो द डिस्टेंस फार्मूला, हमें डिस्टेंस फार्मूला में सिर्फ टू पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा ओरिजिन और एक पॉइंट हो जाएगा जो इधर पे इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट, एंड द पॉइंट गिवन हियर इज -8 and 6। सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में हम कंसिडर करते हैं ए पॉइंट को 0, 0, दैट इज ओरिजिन, एंड बी पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं -8, 6। क्लियर। अब ऑलरेडी हम मैंशन करते आ रहे हैं कि ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी आर जस्ट मैंशनिंग दीज पॉइंट्स। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस बेसिकली हम यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अभी तक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, और इनकी वैल्यूज पुट करते भी बहुत इजीली आप पे बननी चाहिए। x2 की वैल्यू है -8, x1 की वैल्यू है 0, ये हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है x2 और x1 की वैल्यू। इन द सेम मैनर होल स्क्वायर हो जाएगा इसका y2 - y1, y2 की वैल्यू 6 है, -y1 की वैल्यू है 0, उसका होल स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे -7। अब देखिए -8 - 0, अगर -8 में से 0 माइनस करेंगे तो -8 ही आएगा और उसका होल स्क्वायर, और 6 - 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, उसका भी होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 8, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 64 + 36, अच्छा माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आती है वैल्यू, 64 + 36 होता है हमारा 100, तो ये हो जाएगा √100, और हम जानते हैं √100 की वैल्यू होती है 10, 10 जा 100। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8 and 6 फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर टू। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड पार्ट। तो इसका जो पॉइंट है हमारा वो क्या दिया हुआ है, -5 and -12। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं, सेकेंड -5, -12। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ए पॉइंट को, यहाँ पे ए हमने ओरिजिन कंसीडर किया था, तो अभी यहाँ पे भी करते हैं, और बी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं -5, -12। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पहला आप ओरिजिन ही लो, अगर ए को अपन पॉइंट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, मीन्स ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि पहले कौन सा पॉइंट लें। फिर इसके बाद हम इनके पॉइंट्स को मैंशन कर देते हैं फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। क्लियर। Now what we have to write is AB, distance between these two points, that is x2 - x1 whole square + y2 - y1 whole square। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी, -5, और x1 की वैल्यू है 0, तो -5 - 0 प्लस y2 - y1 क्या है हमारा -12, और y1 क्या है हमारा 0। क्लियर, उसका स्क्वायर। अब इसमें देखिए -5 - 0 हो जाएगा -5 ही अकेला, क्योंकि -5 में से 0 माइनस करेंगे तो -5 ही आएगा। इन द सेम मैनर -12 में से 0 माइनस करेंगे तो -12 भी आएगा।
इन दोनों का स्क्वायर कर दो, माइनस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ओके 144। अब 25 प्लस 144 हो जाएगा हमारा 169, और 169 का अंडर रूट होता है हमारा 13। तो जो डिस्टेंस आया हमारा सेकंड पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज 13 यूनिट्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, दैट इज 8, -15। थर्ड पॉइंट 8, -15। क्लियर? वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ए पॉइंट कंसीडर कर लेंगे ओरिजिन को 0, 0, बी पॉइंट कंसीडर करेंगे 8, -15 को। अब देखिए ये है हमारा x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। क्लियर? ए बी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, क्योंकि ए बी हमने पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, और ए बी के बीच का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 - x1² प्लस y2 - y1² x2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे लिए 8, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है 0। क्लियर? मीन्स 8 - 0² प्लस y2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे लिए -15, और y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 0² अब हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 - 0 8 ही होता है, और -15 - 0 तो वो भी -15 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, 8 8 जै 64, 15² 225। ओके, अब इन दोनों को प्लस करते हैं कहीं रफ वर्क में, 225 + 64, 5 + 4 9 6 + 2 8 and 2, तो ये आ गया 289 अंडर रूट के अंदर, 289। अब 289 का अंडर रूट होता है आई थिंक 17, तो 17 हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। यू विल गेट द लिंक ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियोज एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।